ट्रांसलेशन लेवल रेगुलेशन। नेक्स्ट अपना टॉपिक है नॉन स्टॉप मीडिएटेड एमआरएनए डीके, और एक टॉपिक है अपना दूसरा नॉन गो मीडिएटेड एमआरएनए डीके। नॉन स्टॉप का मतलब ये हुआ कि एमआरएनए में स्टॉप कोडोन खत्म हो गया, मतलब जीन में कोई म्यूटेशन हुआ जिससे कि स्टॉप कोडोन सेंस कोडोन में चेंज हो गया। तो ऐसे एमआरएनए पर जब राइबोसोम बाइंड होगा तो वो आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और पॉली ए टेल पर पहुंच जाएगा, और पॉली ए टेल पर सीक्वेंस आएगा ए ए ए ए ए ए, यानी कि जो कोडोन बनेगा वो क्या बनेगा ए ए ए, और ए ए ए कोडोन होता है लाइसिन का, यानी कि यहाँ पर जो पॉलीपेप्टाइड बन रहा है उसमें सी टर्मिनल पर लाइसिन 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 जुड़ने शुरू हो जाएंगे और एमआरएनए जो है वो यहाँ पर आकर अटक जाएगा एक तरह से। और जब ये लाइसिन 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 के कोडोन आने शुरू हो जाते हैं तो इसको सेंस करता है सेल में स्पेसिफिक, यहाँ पर आरएफ प्रेजेंट है क्लास वन और क्लास टू, डॉम 34 ये क्लास वन रिलीज फैक्टर का एग्जांपल है और HBS1 ये क्लास सेकंड रिलीज फैक्टर का एग्जांपल है। क्लास सेकंड रिलीज फैक्टर जीटीपी बाउंड फॉर्म में होते हैं। तो ये यहाँ पर ए साइट पर आकर बाइंड होंगे और ये चेन टर्मिनेशन करवा देंगे। ये हमने ऑलरेडी ट्रांसलेशन में पढ़ लिया था कि क्लास वन रिलीज फैक्टर जो है वो पेप्टाइड चेन को रिलीज करवाता है, तो ये यहाँ पर आकर बाइंड होंगे पेप्टाइड चेन को रिलीज करवा देंगे। RLI1 जो है वो यहाँ पर एक ATPase की तरह काम आ रहा है, ये राइबोसोम को डिसोशिएट करवा देता है, ट्रांसलेशन कॉम्प्लेक्स को डिसोशिएट करवा देता है, और HBS1 जो है वो GDP बाउंड फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही ये सेंस किया जाता है कि पॉलीलाइसिन ऐड हो रहे हैं तो उसी टाइम पर राइबोसोम में एक एंडोन्यूक्लियस आकर बाइंड होता है जो राइबोसोम से पहले एमआरएनए पर बीच में कहीं कट लगा देता है जिससे कि पॉली ए टेल जो है वो यहाँ से हट जाएगी। और अगर पॉली ए टेल नहीं हटी है और डी कैपिंग एंजाइम्स के द्वारा कैप को रिमूव कर दिया गया है, तो अगर कैप को रिमूव कर दिया गया है तो अभी हमने जैसे पीछे वाले टॉपिक में देखा था XRN1 जो एक्सॉन न्यूक्लियस है वो एमआरएनए को डिग्रेड करवा देगा, ये एमआरएनए दोबारा हमारे काम में नहीं आएगा। दूसरी कंडीशन नॉन गो मीडिएटेड एमआरएनए डीके। नॉन गो का मतलब हुआ यहाँ पर कि कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं विच कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड बाय राइबोसोम एंड राइबोसोम स्टार्ट एट देयर सीक्वेंसेस। राइबोसोम स्टार्ट एट दीज सीक्वेंसेज, राइबोसोम स्टार्ट मीन यहाँ पर राइबोसोम रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, अटक जाता है। तो इस कंडीशन में राइबोसोम को वापस से रिसाइकिल करना जरूरी है ताकि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम में लिया जा सके, और इन एमआरएनए को डिग्रेड करवाना भी चाहिए ताकि वापस से राइबोसोम इन पर आकर ना अटक पाए। तो उस कंडीशन में हमने यहाँ पर ये शो किया है कि राइबोसोम रुका हुआ है, स्टार्ट राइबोसोम कोई ये सीक्वेंस है जिसको कि आगे ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता राइबोसोम के द्वारा। अब जैसे ही यहाँ पर राइबोसोम आकर रुकता है तो डॉम 34 HBS1 जो रिलीज फैक्टर्स हैं ये बाइंड होते हैं राइबोसोम की ए साइट पर, पेप्टाइड चेन को रिलीज करवा दिया जाएगा और बाकी मैकेनिज्म वही है जो नॉन स्टॉप मीडिएटेड एमआरएनए डीके में किया जाता है। और जो रॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पर बन रही है उस पॉलीपेप्टाइड चेन को भी प्रोटियोसोम्स के द्वारा डिग्रेड करवा दिया जाता है। इस तरह से यहाँ पर ट्रांसलेशन लेवल रेगुलेशन जो है वो देखने को मिलता है। ओके, थैंक्स।